हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, जो हमने एनालिसिस की थी मंडे के लिए, जो कल का सेशन था, उसमें जो हमने स्टॉक्स दिए थे टोटल प्राइस, उसमें परफॉर्मेंस क्या रही आज, वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा बजाज फाइनेंस, जैसे हमने कहा था कि अपना लास्ट स्विंग को जिसको बिना टेस्ट किया था उसको टेस्ट करेगा, और वो जो लेवल था वो था 7313 का, उसी को टेस्ट करते हुए लास्ट जो इसका सपोर्ट लेवल था वहां तक ही नीचे आया और हमको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला 1.82%। और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट लेवल था 7158 का लेवल, उसके ही थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है मार्केट, सॉरी उसके नीचे क्लोज किया है मार्केट, और आज के दिन में भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। ये देखना इस लेवल से बाउंस करता है और रिजेक्शन लेने के लिए यहाँ से आता है कि नहीं आता। यदि लास्ट स्विंग लेवल जो है इसका अराउंड 7218, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर से यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो नीचे के साइड पर रहेगा अराउंड 6810 का रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला था टाइटन। टाइटन जैसे हमने कहा था इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और कल के दिन में ग्रोथ देखते हुए मिली, लास्ट सिंह के ऊपर क्लोज था, फ्लैट ओपन हुआ है, 0.1.31% ऊपर ओपन हुआ, तो कल के दिन में हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली, तो सेकेंड स्टॉक सक्सेसफुल ट्रेड हमें मिला। नेक्स्ट शोभा, सुबह गैप अप ओपन हुआ और लास्ट लेवल से इसको रिजेक्शन मिला। ऑलराइट, तो इस तरीके से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमने ग्रैब करी। अगला मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, गैप अप ओपन हुआ, बट यहाँ पे जो मैंने कहा था कि 1726 से लेवल वॉचआउट करने के, तो वहीं से रिजेक्शन लिया, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, अगेन अनदर सक्सेसफुल ट्रेड। ओके, इसके बाद बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी जैसे कि मैंने कहा था किसी भी लेवल से रिजेक्शन लेगा, ऊपर वाले लेवल पे आया और वहां से इसने रिजेक्शन लिया, 392.75 के लेवल से शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ। आज के दिन गैप अप ओपन हुआ, लेट अस सी इसी लेवल से फिर से रिजेक्शन लेता है तो हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद अगला है गेल। जो हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड है ऊपर ऊपर हुआ और वहां से पुल बैक लिया, क्लोजिंग उसके ऊपर ही, तो लेट अस सी फिर इस लेवल को रिटेस्ट के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद है एस्ट्रो, गैप अप ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे जोन था और वहीं से इसने रिजेक्शन लिया। ओके, जोन भी था, रेजिस्टेंस भी था, उसके बाद से इसने रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद अगला है इंडियन होटल्स, लास्ट स्विंग के पास थे जहाँ रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पर इसने रिजेक्शन लिया, तो आज कल के दिन हम कह सकते कंसोलिडेशन हो, बट क्लोजिंग होगी एवरेज के नीचे है तो हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे जोन भी है और यहीं से पुल बैक भी ले सकता है, एक बार मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करने आ सकता है एंड देन फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन ले सकता है। इसके बाद VST टेलर्स, टॉप ओपन हुआ, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, जैसे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले सकता है, क्लोजिंग नीचे थी, फ्लैट ओपन हुआ है, आज फिर सी क्या होता है। ओके, फिर से रिजेक्शन लेगा, एसी लेवल सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पर एक जोन भी है तो वॉच करने वाली बात होगी, कंफर्मेशन के साथ इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम एनालिसिस करते हैं तो हमको अनुमान लग जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, बस सीखने की जरूरत है, सीखने पर फोकस करें। इसके बाद अगला टाटा मोटर्स दे दिया, कोई ट्रेड नहीं बना, वहीं पर कंसोलिडेट किया। नेक्स्ट है EID पैरी, जैसे कि हमने कहा था रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, फिर वहीं से पुल बैक बाइंग आई इसी लेवल से, और क्लोजिंग हुई थी हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर, आज के दिन जो है हमारा जो लेवल है 566 का, उसी पर फ्लैट ओपन हुआ है, तो देखने वाला होता है कि यहाँ से क्या होता है। जैसे वॉल्यूम्स अगर कम्युलेट होगा तो फ्रेश आई बनेगा, टारगेट्स हमारे रहेंगे 573 और 576 के। इसके बाद अगला है ICICI पोटेंशियल, रिटेस्ट हुआ ये जोन से इन दोनों स्विंग लेवल से, और वहां से पुल बैक लिए, मूविंग एवरेज ऊपर की क्लोजिंग है, आज के दिन वॉच आउट करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल हमारा 525 का, इसी पे फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट आज, और देखने वाला होता है कि यहाँ से क्या होता है। यदि वॉल्यूम एक्युमुलेट होंगे तो एक बार फिर से हमको टारगेट हमारा ये 100 करोड़ तक का देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है JSW स्टील,
ऊपर ओपन हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे जोन भी बना हुआ है, और क्लोजिंग जो हुई है हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के अंदर और मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। बट आज के दिन गैप ओपन हुआ है, किसी को यदि बेस बनाता है फिर से तो ऊपर एम कर सकते हैं, वॉचआउट करना होगा। यहाँ पे जोन है इस लेवल के ऊपर, यदि जाता है SC2 के ऊपर तो हम इसमें लॉन्ग की एंट्री करेंगे। इसी बाद अगला है मनाप्रम फाइनेंस। थोड़ा सा गैप ओपन हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और लेवल से नीचे क्लोजिंग किया। आज के दिन थोड़ा सा ऊपर है बट स्विंग लेवल 173 के आसपास है, वहां से यदि रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एस जो हमारा टारगेट ऊपर 184 तक के लिए इंटैक्ट। इसके बाद है डीवी रियल्टी, मार्केट ओपन हो चुका है। डीवी रियल्टी में भी जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले सकता है, क्लोजिंग उसके नीचे हुई है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से कैसे रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट है 180 का लेवल। इसके बाद एक्साइज इंडस्ट्रीज, उसी लेवल को सपोर्ट बनाया 295.54 के लेवल को और वहां से ऊपर गया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग थी, आज के दिन गैप अप ओपन हुआ है। इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना शुरू करता है तो हम इस पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 304 का लेवल। नेक्स्ट हमारे थे मारुति, धीरे धीरे करके नीचे आया था, पुल बैक लिया, देन मूविंग एवरेज ऊपर की क्लोजिंग है। आज के दिन हमें वॉच आउट करना होगा कि यहीं से अगर ये लास्ट डे की लो को अगर रीच करता है तो फिर से हमें एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे सपोर्ट बनता है वो है हमारा 101.45 का लेवल। तो मूविंग एवरेज से भी यदि सपोर्ट लेता है तो ऊपर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 101.475 का लेवल। नेक्स्ट टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में भी पुल बैक लेकर के, क्योंकि रिटेस्ट नहीं किया था, रिटेस्ट होकर पुल बैक मिला यहाँ पे, तो आज के दिन हम एक फ्रेश हाई बनते हुए देख सकते हैं। हो सकता है इसमें भी ब्रीच होते और यहाँ पर एक पैटर्न भी बना हुआ है अगर आप लोग स्पॉट कर पाए हो तो। नेक्स्ट है जीएम ब्रूरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप ओपन हुआ और हमारे सपोर्ट लेवल 665.82 वहीं से एक्युमुलेशन हुआ और वहीं से इसने ऊपर जाना शुरू किया था, वहाँ पर टोटल 2.8% का मूव दिया था। आज इतनी जो हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे वो है हमारा 710 का लेवल, और एक बार के लिए अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है 715 के ऊपर तो हम इसके ऊपर लॉन्ग जाते हुए दे सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 756 का लेवल। नेक्स्ट था हमारे मैकडॉनल्ड्स, गैप अप ओपन हुआ था और फिर वहीं से लास्ट वीक इसको रिजेक्शन मिला, एक तरीके से ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। बट देखने वाली बात है कि यहाँ से जब कन्फर्मेशन मिलेगा तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी और उसमें हमको टारगेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे, तो इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट था हमारा इन्फोसिस, धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया। ये है हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लास्ट एनालिसिस की, जो हमने लेवल्स आपके लिए निकाले थे, टोटल 21-22 स्टॉक्स हैं। कल के सेशंस के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिला, अपने मैं ऑक्यूपाइड था थोड़े पर्सनल चीज़ों में। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, लर्निंग वर्निंग की जर्नी में आपको मज़ा आ रहा है। कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, फीस मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, ओनली 15,000 रुपीज़ रखी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे ही सीखिए, बट हाँ मार्केट माना तो सीख करके आइए, क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है बट मार्केट एक फुल स्टडी है, प्योर बिजनेस है, इस चीज़ को समझिए और उसके बाद ही मार्केट में आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।